एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेनेट्रेशन टेस्टिंग के लिए अपनी कस्टम वर्ड लिस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं किसी फाइल वाईफाई या किसी नेटवर्क सर्विस जैसे कि FTP, SSH, RDP, SMB, टेलनेट आदि का पासवर्ड या यूजर नेम रिकवर करने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। वर्ड लिस्ट जो कि पासवर्ड को रिकवर करने में अहम भूमिका निभाती है, आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा जहां किसी सर्विस के यूजर नेम और पासवर्ड को रिकवर करने के लिए वर्ड लिस्ट की जरूरत पड़ती है। वैसे कॉमन पासवर्ड्स की लिस्ट आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगी जहां लाखों की संख्या में कॉमन पासवर्ड्स होते हैं पर वो हर जगह काम नहीं आ सकते। तो ऐसी कंडीशन में हमें अपनी कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेट करनी पड़ती है जिसमें पासवर्ड मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। मैंने टारगेट बेस्ड कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेट करने के वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं कि किसी स्पेसिफाइड टारगेट को ध्यान में रखते हुए कस्टम वर्ड लिस्ट कैसे बनाई जाती है। यदि ये वीडियो आपने नहीं देखे तो देख लीजिए, इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्रंच टूल के द्वारा अपनी कस्टम वर्ड लिस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। इस टूल की विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। क्रंच टूल एक वर्ड लिस्ट जनरेटर टूल है, इसके द्वारा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, करेक्टर सेट्स और क्रम परिवर्तन से कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेट की जा सकती है। ये टूल काले लिनक्स या अन्य पेन टेस्टिंग ओएस में प्री इंस्टॉल मिल जाता है। ये देखिए, यहाँ पर क्रंच टूल का 3.6 वर्जन इंस्टॉल है और साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको यूज़ में कैसे लेते हैं। इसको यूज़ में लेना काफ़ी आसान है, मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिससे कि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करेक्टर सेट के द्वारा वर्ड लिस्ट कैसे जनरेट की जा सकती है। तो इसके लिए कमांड लगाइए क्रंच, पासवर्ड की मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ, कि पासवर्ड कम से कम कितने और ज़्यादा से ज़्यादा कितने अक्षर का रखना है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5। उसके बाद ऑप्शन लगाइए -o और आप ये सारी लिस्ट किस फाइल में सेव करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये वर्ड लिस्ट जनरेट हो जाएगी। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस फाइल के अंदर इतनी सारी लाइन सेव होंगी और ये फाइल यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। आप इस फाइल का साइज़ यहाँ पर देख सकते हैं, ये करीब 70 MB की फाइल है और इस फाइल के अंदर 3 से 5 अक्षर तक के स्मॉल लेटर्स के अंदर वर्ड सेव हो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी कैपिटल लेटर्स, नंबर्स या स्पेशल करेक्टर का यूज़ नहीं होगा। हमने यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट करेक्टर सेट यूज़ किया है। ये देखिए, यहाँ पर 3 से 5 अक्षर तक के स्मॉल लेटर्स के अंदर वर्ड सेव हो चुके हैं। यदि कोई भी यूज़र नेम या पासवर्ड स्मॉल लेटर के अंदर 3 से 5 अक्षर तक के बीच में है तो यहाँ पर वो इस लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। अब मान लीजिए आप यहाँ पर अपना कस्टम करेक्टर सेट यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं कि कौन से करेक्टर सेट यहाँ पर यूज़ होने चाहिए, कि जो भी वर्ड लिस्ट जनरेट हो उन्हीं करेक्टर्स में से जनरेट होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया ABCDEFGH123, तो जो भी वर्ड लिस्ट जनरेट होगी उनके अंदर इन्हीं करेक्टर्स का यूज़ होगा। आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स या स्पेशल करेक्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे यहाँ पर वर्ड लिस्ट जल्दी से जनरेट हो जाएगी और फाइल का साइज़ कम रहेगा। ये उस कंडीशन में काम आता है जब आपको आइडिया रहता है कि यूजर नेम और पासवर्ड इन करेक्टर्स में से ही हो सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर वर्ड लिस्ट जनरेट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो करेक्टर सेट लिया था उसी के हिसाब से यहाँ पर वर्ड लिस्ट जनरेट हुई है। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी कस्टम करेक्टर सेट यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि संभावना हो कि यूजर नेम और पासवर्ड उन्हीं करेक्टर्स में से लिए गए हों, जिससे कि उस वर्ड लिस्ट में से पासवर्ड और यूजर नेम ढूंढने में काफ़ी कम समय लगेगा। आप जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वर्ड लिस्ट जनरेट हुई है यहाँ पर स्टार्टिंग में सभी जगह ए आ रहा है। यदि आप इसको इन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन लगाना होगा -i, तो यहाँ पर ये इन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर साइज़ में और लाइन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर उतने ही वर्ड्स जनरेट होंगे जितने पहले हुए थे, पर यहाँ पर इनका क्रम चेंज हो जाएगा। ये देखिए, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर ए के बाद बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है। पहले वहाँ पर ए की पूरी लाइन कंप्लीट हो रही थी, फिर बी की, फिर सी की, पर अभी यहाँ पर ये इन्वर्ट हो चुका है। तो इससे पासवर्ड या यूजर नेम को सर्च करने में थोड़ा समय कम लग सकता है। या मान लीजिए आप चाहते हैं कि वर्ड लिस्ट किसी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग से स्टार्ट होनी चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन लगा दीजिए -s और आप जो भी स्ट्रिंग देना चाहते हैं वो स्ट्रिंग यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो जो वर्ड लिस्ट यहाँ पर जनरेट होगी वहाँ पर वो दी गई स्ट्रिंग से ही स्टार्ट होगी। तो यदि आपको आइडिया है कि यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर कौन सी स्ट्रिंग यूज़ की गई है तो स्ट्रिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं जिससे कि वो वर्ड लिस्ट उसी स्ट्रिंग से स्टार्ट होगी। ये देखिए, यहाँ पर ये वर्ड लिस्ट जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग सेट की थी उसी स्ट्रिंग से यहाँ पर स्टार्ट हुई है, जिससे कि यहाँ पर टूल्स को पासवर्ड और यूजर नेम को फाइंड करने में थोड़ा समय कम लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर फुल करेक्टर सेट कैसे यूज़ कर सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पर एक क्रंच टूल का प्री डिफाइंड करेक्टर सेट है, आप इसको USR शेयर क्रंच फोल्डर के अंदर देख सकते हैं। इस फाइल का नाम है करेक्टर सेट डॉट लिस्ट। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे करेक्टर सेट दे रखे हैं, यहाँ पर हैक्स लोअर, हैक्स अपर, अपर एल्फा, लोअर एल्फा, अपर एल्फा स्पेस, यहाँ पर स्पेस का भी यूज़ लिया गया है, अपर एल्फा न्यूमेरिक, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स के साथ नंबर्स का भी यूज़ किया गया है, ऐसे यहाँ पर नंबर्स के साथ स्पेशल करेक्टर्स का यूज़ किया गया है। यही सेम यहाँ पर आप स्मॉल लेटर्स के अंदर देख सकते हैं, और आपको यहाँ पर मैक्स एल्फा लिस्ट भी मिल जाएगी, यहाँ पर स्मॉल कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया गया है, या मैक्स एल्फा न्यूमेरिक, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई सा भी करेक्टर सेट यूज़ कर सकते हैं जो भी आप यूज़ में लेना चाहते हैं। पर ध्यान रहे जितना बड़ा करेक्टर सेट यूज़ करेंगे वर्ड लिस्ट भी उतनी ही बड़ी बनेगी और उसका साइज़ भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए हैक्स अपर वाला करेक्टर सेट यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक डिजिट और ए से लेकर अब तक करेक्टर्स यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको उसका नाम कॉपी करना होगा, जो भी इस करेक्टर सेट का नाम है वो नाम यहाँ से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद कमांड लगाइए क्रंच, पासवर्ड की मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ, उसके बाद ऑप्शन लगाइए -F, और उसके बाद आपके करेक्टर सेट फाइल का नाम और पाथ, जहाँ भी आपके करेक्टर सेट फाइल सेव है उसका पूरा पाथ यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने उसका पाथ सेट कर दिया। उसके बाद आपने जो करेक्टर सेट कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ हैक्स अपर का, और उसके बाद ऑप्शन लगाइए -O, और आप इसको जिस फाइल में भी सेव करना चाहते हैं वो फाइल का नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आपके दिए गए करेक्टर सेट के हिसाब से यहाँ पर वर्ड लिस्ट जनरेट हो जाएगी, जो भी आपने लेंथ ली है उसके हिसाब से। ये देखिए यहाँ पर ये लिस्ट जनरेट हो चुकी है, यहाँ पर करीब 6 MB की फाइल बनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कमांड लगाया कैट वर्ड लिस्ट डॉट टेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पर जो हमने करेक्टर सेट चूज़ किया था उसी के हिसाब से यहाँ पर वर्ड लिस्ट जनरेट हो चुकी है। तो आप इस तरह से यहाँ पर कोई सा भी करेक्टर सेट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे करेक्टर सेट दे रखे हैं। अब मैं आपको उसका अगला एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको आइडिया है कि पासवर्ड यूजर नेम के अंदर पहले या बाद में कौन से करेक्टर यूज़ हुए हैं, आपको आधा यूजर नेम या पासवर्ड याद है बाकी याद नहीं है, तो आप यहाँ पर इसका पैटर्न सेट कर सकते हैं। इसके लिए कमांड लगाइए क्रंच, अपने पासवर्ड की मिनिमम मैक्सिमम लेंथ टाइप कीजिए, उसके बाद ऑप्शन लगाइए -T। अब मान लीजिए कि मुझे याद है कि पासवर्ड 7 करेक्टर्स का है और पासवर्ड के स्टार्टिंग में अनिल लिखा हुआ है जिसका ये कैपिटल है, और लास्ट में कोई 3 डिजिट यूज़ किए गए हैं, वो डिजिट मुझे याद नहीं है, तो डिजिट के लिए यहाँ पर परसेंटेज का साइन टाइप कर दीजिए। 3 डिजिट हैं तो 3% के साइन यहाँ पर लगा दीजिए, उसके बाद ऑप्शन लगाइए -O और वर्ड लिस्ट का नाम टाइप कर दीजिए जिसके अंदर भी आप इसको सेव करना चाहते हैं। अब उससे होगा ये कि जो भी वर्ड लिस्ट जनरेट होगी उसके अंदर सारे वर्ड्स 7 करेक्टर के होंगे, जिनके स्टार्टिंग में अनिल लिखा हुआ होगा और लास्ट में जो 3 डिजिट हैं वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। ये देखिए ये वर्ड लिस्ट यहाँ पर जनरेट हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कमांड लगाया कैट वर्ड लिस्ट डॉट टेक्स्ट। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में अनिल लिखा हुआ है और लास्ट के सारे 3 डिजिट यहाँ पर आ चुके हैं। तो यदि ऐसा पासवर्ड या यूजर नेम यहाँ पर यूज़ किया गया है तो वो 100% इस वर्ड लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। आप इस वर्ड लिस्ट को और सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि वहाँ पर कोई भी डिजिट डुप्लीकेट यूज़ नहीं की गई है, जैसे कि 000111, तो आप यहाँ पर डुप्लीकेट करेक्टर्स की लिमिट सेट कर सकते हैं कि वहाँ पर कितने डुप्लीकेट करेक्टर्स आने चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन लगाइए -D, और आपको जितने भी डुप्लीकेट करेक्टर सेट करने हैं वो नंबर टाइप कीजिए, जैसे मैंने टाइप कर दिया 2। नंबर के लिए टाइप कीजिए % उसके बाद यहाँ पर डुप्लीकेट करेक्टर्स की लिमिट सेट हो जाएगी, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट पहले से छोटी हो चुकी है, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर केवल 2 डिजिट ही डुप्लीकेट आ रही हैं, पहले यहाँ पर 3 जीरो आ रहे थे, अभी यहाँ पर केवल 2 जीरो आ रही हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस वर्ड लिस्ट को और छोटी कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर इसका साइज़ भी छोटा होगा और पासवर्ड को फाइंड करने में समय भी कम लगेगा। तो ये तो था डिजिट के लिए। यदि आप चाहते हैं कि वहाँ पर करेक्टर्स ऑटोमेटिक जनरेट हों तो आप ये भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको आइडिया है कि पासवर्ड के लास्ट में टारगेट के डेट ऑफ बर्थ की ईयर लिखी हुई है और आगे कुछ करेक्टर यूज़ किए गए हैं वो आपको करेक्टर पता नहीं है, तो वो आप यहाँ पर पैटर्न सेट कर सकते हैं। स्मॉल करेक्टर्स के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे @, जैसे यहाँ पर मैंने टाइप किया 4 times @ और टारगेट पर्सन की डेट ऑफ बर्थ का ईयर, तो यहाँ पर ऐसी वर्ड लिस्ट जनरेट होगी जहाँ उसके लास्ट में 1990 लिखा हुआ होगा और आगे 4 अक्षर होंगे स्मॉल लेटर्स के अंदर। ये देखिए ये फाइल यहाँ पर जनरेट हो चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में 1990 लिखा हुआ है और आगे 4 स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। तो यदि ऐसा पासवर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है तो यहाँ पर वो उस लिस्ट के अंदर 100% मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर कैपिटल लेटर्स आएँ तो कैपिटल करेक्टर के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉमा, आप यहाँ पर @ की जगह कॉमा लगा दीजिए,
तो यहाँ पर जो कैरेक्टर जनरेट होंगे वो सभी कैपिटल के अंदर होंगे। ये देखिए यहाँ पर सेम वही वर्ड लिस्ट जनरेट हुई है, पर इसके सारे कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर्स के अंदर हैं। या मान लीजिए आपको लगता है कि वहाँ पर पहला कैरेक्टर कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल में हैं, तो आगे कॉमा लगा दीजिए और उसके बाद जितने भी कैरेक्टर स्मॉल लेटर के अंदर हैं उतने ऐट द रेट वहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर पहला कैरेक्टर कैपिटल में होगा बाकी स्मॉल में होंगे। यदि आप यहाँ पर डुप्लीकेट कैरेक्टर की लिमिट सेट करना चाहते हैं कि कंटिन्यू कितने डुप्लीकेट कैरेक्टर्स आने चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन लगाइए -D, डुप्लीकेट कैरेक्टर की लिमिट सेट कीजिए। और यहाँ पर आपको किसके लिए सेट करनी है, स्मॉल लेटर के लिए या कैपिटल लेटर के लिए, वो सिंबल यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर इसके हिसाब से वर्ड लिस्ट जनरेट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर वर्ड लिस्ट जनरेट हो चुकी है। अब मैं आपको उसका अगला एग्जांपल दिखाता हूँ। या मान लीजिए वहाँ पर नंबर स्मॉल लेटर या कैपिटल की जगह स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ किया है, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए टाइप कीजिए कैरेट, जितनी भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ हो रहे हैं उतने कैरेट सिंबल यहाँ पर टाइप कर दीजिए, तो आपके वर्ड लिस्ट के अंदर स्पेशल कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे। तो आप इसके हिसाब से यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स या नंबर्स का यूज़ किया गया हो, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि पासवर्ड के अंदर एक ही जगह ऐट द रेट यूज़ किया गया है, तो फिर आप उसको यहाँ पर कैसे सेट करेंगे। यदि हम वहाँ पर ऐट द रेट लगाते हैं तो वो उसको लोअर कैरेक्टर के अंदर ले लेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने पैटर्न सेट किया है। तो यहाँ पर जो आगे ऐट द रेट है वो इसको लोअर कैरेक्टर के अंदर लेके चलेगा। यहाँ पर ऐट द रेट फिक्स नहीं होगा, तो उसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन लगाना होगा -L, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऐट द रेट को स्टार्टिंग में सेट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में टाइप करेंगे ऐट द रेट और लास्ट में जितने भी करेक्टर्स हैं उतने करेक्टर्स पीछे टाइप कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर ऐट द रेट फिक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पर वर्ड लिस्ट जनरेट हो रही है। ये देखिए अभी आप वर्ड लिस्ट के अंदर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर ऐट द रेट आ रहा है। यदि आप इसको फिक्स नहीं करते तो यहाँ पर स्मॉल लेटर के अंदर करेक्टर जनरेट होता, तो आप इस तरह से यहाँ पर स्पेशल करेक्टर्स के अंदर ऐट द रेट कॉमा परसेंटेज या करेक्ट को फिक्स कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको आइडिया है कि पासवर्ड के अंदर कुछ सेलेक्टेड वर्ड का यूज़ किया गया है, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से कोई पासवर्ड यूज़ किया गया है, तो वो आप पैटर्न यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन लगाइए -P और जितने भी वर्ड वहाँ पर यूज़ किए गए हैं वो वर्ड्स यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया अनिल टेक चिप 123, तो यहाँ पर इन तीन वर्ड्स को लेकर ही वर्ड लिस्ट जनरेट होगी, तो उसके जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए यदि मान लीजिए ये सारे वर्ड्स या करेक्टर किसी फाइल के अंदर हैं, तो इनको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन लगाइए -Q और आपकी फाइल का नाम, जिस फाइल के अंदर भी वो सेव हैं, तो उसके बाद ये टूल उन वर्ड्स को वहाँ से ऑटोमेटिक उन फाइल के अंदर से उठा लेगा और वहाँ पर वर्ड लिस्ट जनरेट कर देगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। यदि मान लीजिए आपको लगता है कि पासवर्ड के अंदर कोई मोबाइल नंबर यूज़ किया गया है, तो आपको पता है कि मोबाइल नंबर के अंदर 10 डिजिट होते हैं, तो यहाँ पर टाइप कीजिए क्रंच, मिनिमम लेंथ के अंदर 10, मैक्सिमम लेंथ के अंदर भी 10, और आप यहाँ पर सारे नंबर टाइप कर दीजिए। उसके बाद ऑप्शन लगाइए -O और आप यहाँ भी इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो नाम और पास यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर ऐसी वर्ड लिस्ट जनरेट हो जाएगी। इसमें 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट के सारे कॉम्बिनेशंस होंगे, जिनकी मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ होगी 10 डिजिट की। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी फाइल जनरेट होगी, आप इसका साइज़ देख सकते हैं। यहाँ पर करीब 102 GB की फाइल जनरेट होगी। यदि मान लीजिए कोई पासवर्ड के अंदर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यूज़ किया गया है, तो वो इस वर्ड लिस्ट के अंदर से 100% रिकवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन नंबर्स की जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी वो सारी वहाँ पर सेव हो जाएंगी। पर यहाँ पर इसका साइज़ काफ़ी बड़ा बनेगा, आप इसको और छोटा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको फ़ोन नंबर की लास्ट की या स्टार्टिंग की कुछ डिजिट पता है, तो आप उनको वहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि वर्ड लिस्ट का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाएगा। जैसे कि मुझे पता है कि फ़ोन नंबर की स्टार्टिंग की डिजिट 7014 है, पर लास्ट की 6 डिजिट मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन यूज़ कीजिए -T, इसके बाद टाइप कीजिए 7014 और 6 टाइम परसेंटेज सिंबल। अब उसके बाद जो वर्ड लिस्ट जनरेट होगी वहाँ पर स्टार्टिंग की 4 डिजिट फिक्स रहेंगी 7014 और लास्ट की 6 डिजिट वहाँ पर जनरेट हो जाएंगी। ये देखिए अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइल का साइज़ केवल 10 MB का ही है। वर्ड लिस्ट यहाँ पर जनरेट हो चुकी है, जिसमें स्टार्टिंग की 4 डिजिट फिक्स हैं और लास्ट की 6 डिजिट यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी हैं। यदि ऐसा पासवर्ड वहाँ पर यूज़ किया गया है, तो वो इस वर्ड लिस्ट से 100% रिकवर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि फाइल ज़्यादा बड़ी बन रही हैं तो आप उनको स्प्लिट भी कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन लगाइए -O और यहाँ पर कैपिटल में टाइप कीजिए स्टार्ट, और यदि आप फाइल को साइज़ में बांटना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन लगाइए -B और आप इसको कितने साइज़ में बांटना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 2 MB, तो यहाँ पर फाइल का साइज़ 2 MB के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर करीब 6 फाइल जनरेट हो चुकी हैं।
आप इनकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने जो साइज़ दिया था वो साइज़ के हिसाब से यहाँ पर फाइल स्प्लिट हो जाएंगी। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, आप यहाँ पर अलग अलग वर्ड लिस्ट को अलग अलग सिस्टम पर रन करा सकते हैं, तो काफ़ी कम समय में पासवर्ड के रिकवर होने के चांस हैं। यदि किसी टूल में पूरी एक ही वर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, पर स्प्लिट वर्ड लिस्ट का अलग अलग सिस्टम पर यूज़ करके काफ़ी समय की बचत की जा सकती है। या मान लीजिए आप यहाँ पर फाइल को साइज़ के नहीं लाइन के हिसाब से बांटना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन लगाइए -c, और आप इसको कितनी लाइन में बांटना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 1000, तो यहाँ पर 1000 लाइन के बाद फाइल ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर फाइल जनरेट हो रही हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी फाइल जनरेट हो चुकी हैं। आप इनकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी फाइल्स 1000 लाइन्स के हिसाब से स्प्लिट हो चुकी हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर अपनी फाइल्स को स्प्लिट कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई बड़ी वर्ड लिस्ट है, आप उसको आगे के लिए सेव रखना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ पर जिप भी कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन लगाइए -z, और आप उसको कौन से फॉर्मेट के अंदर जिप करना चाहते हैं वो फॉर्मेट यहाँ पर टाइप कर दीजिए, जैसे कि gzip 7zip, तो उस फॉर्मेट के अंदर वहाँ पर कंप्रेस हो जाएगी। यहाँ पर मैंने टाइप किया 7zip। ये देखिए ये वर्ड लिस्ट यहाँ पर जनरेट हो चुकी है, करीब 11 MB की फाइल है, और ये देखिए ये यहाँ पर कंप्रेस हो चुकी है। ये 11 MB की फाइल 60 KB के अंदर कंप्रेस हो चुकी है। तो आप इस तरह से अपनी बड़ी वर्ड लिस्ट को कंप्रेस भी कर सकते हैं, और आप इसको आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं या किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर क्रंच टूल के द्वारा अपनी कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर कमांड लगाइए -man crunch, तो यहाँ पर क्रंच का मैनुअल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इसके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है, उसको कैसे यूज़ में लेते हैं। आपको यहाँ पर इसके काफ़ी सारे एग्जांपल मिल जाएंगे कि आप इसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से अपनी कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेट की जाती है, कैसे पासवर्ड का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पासवर्ड को कोई ऐसे टूल की मदद से रिकवर ना कर पाए, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कीजिए जिसकी मिनिमम लेंथ 10 से 12 कैरेक्टर से ऊपर होनी चाहिए। तो बस दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर एथिकल हैकिंग के बारे में, वाइट हैट हैकिंग की टेक्निक्स और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं, वो भी हिंदी में। तो चलिए, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून एंड गुड बाय।